हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ क्रॉल बजट का। क्रॉल बजट का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा क्या, हर एक वेबसाइट ओनर्स को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है क्रॉल बजट की या नहीं, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा कि परफेक्टली इसको कैसे यूज करें। इसके अंदर ही हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। क्रॉल बजट मेजर हमारा टॉपिक है। क्रॉल बजट आखिर में है क्या, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या क्रॉल बजट की, एक चीज समझिए। मैंने आपको सबसे पहले एसईओ की पहली वीडियो में बताया था एसईओ के, अगर एसईओ क्या है, ठीक है। गूगल कभी भी कोई वेबसाइट को ऐसे इंडेक्स नहीं करता, उसके कुछ एक स्टेप्स होते हैं। जैसे गूगल के स्टेप्स होते हैं क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, ठीक है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, ठीक है। सबसे पहले गूगल वेबसाइट को क्रॉल करता है। क्रॉल करने के बाद क्या करता है, उसे अपने लोकल सर्वर में स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद वो इंडेक्स करता है। इंडेक्स के बाद आता है उसका रैंकिंग एल्गोरिदम, ठीक है। मेजरली ये फैक्टर्स है। इसमें हमने आगे डिस्कस किया था कुछ एक और फैक्टर्स को, अब मैं आपको बताने वाला हूं क्रॉलिंग मतलब कि क्या है। सबसे पहले होगी क्रॉलिंग, उसके बाद होगा लोकल सर्वर में स्टोर होगा इंडेक्सिंग एंड देन रैंकिंग। लेकिन अगर आप ये बताओ, गूगल इंडेक्स तभी करेगा ना जब क्रॉल करेगा कोई वेबसाइट को। तो क्रॉलिंग के कंसेप्ट में यहाँ पे हम आते हैं कि क्रॉलिंग के अंदर ही आता है आपका एक क्रॉल बजट, ठीक है। हाउ इफेक्टिवली योर वेबसाइट विल बी क्रॉल्ड, ये किस पे डिपेंड करेगा, क्रॉल बजट पे, ठीक है। अब ये बताओ, दुनिया में एक वेबसाइट आपकी तो है नहीं, दुनिया में लाखों वेबसाइट है, करोड़ों वेबसाइट है, ठीक है। अब गूगल का बोर्ड्स भी लिमिटेड है, ऐसे तो नहीं गूगल ने सभी वेबसाइट के लिए एक बोर्ड छोड़ रखा है, ठीक है। गूगल के बोर्ड्स लिमिटेड है तो क्या करता है, और टाइम भी लिमिटेड होता है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो गूगल के बोर्ड्स क्या होते हैं, हर एक वेबसाइट के लिए, जैसे वन ए वेबसाइट है, टू वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल, इन दोनों के लिए क्रॉल बजट डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। गूगल के बोर्ड्स को पता है इस वेबसाइट पे, इस वेब पेज पे मुझे 5 मिनट तक जाना है, इस वेब पेज पे मुझे 10 मिनट तक जाना है। ये वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करेगा, क्यों वेरी करता हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन क्रॉल बजट सबका डिफाइंड नहीं होता। क्रॉल बजट सबका, किसी का 5 मिनट होता है, किसी वेबसाइट को आप ये लगा लो सिर्फ 5 मिनट में ही उसके बोर्ड्स को, गूगल के बोर्ड्स को, पूरी वेबसाइट को स्कैन करना है, किसी को 10 मिनट मिले। अब ये बताओ, कोई किसी वेबसाइट में 50,000 पेज, आप बिल्कुल डेफिनेटली बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है जिसमें 50,000 पेज है, आप उस 50,000 के पेज को क्या वो 5 मिनट देगा या 10 मिनट देगा? आपको लग रहा होगा 10 मिनट देगा क्योंकि पेजेस ज्यादा है। नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, कई चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब क्या, गूगल के बोर्ड्स रिसोर्सेज होते हैं, गूगल के बोर्ड्स के बाद अपने रिसोर्सेज होते हैं, वो एक वेबसाइट के स्क्रॉल करने में कितना टाइम लगाएगा। आप ये बताओ, आपको क्या लगता है, एक वेबसाइट स्कैन हो रही है 5 मिनट में, एक वेबसाइट स्कैन हो रही है 5 मिनट में, दूसरी हो रही है 10 मिनट में, मतलब क्या है, गूगल के रिपोर्ट्स या गूगल के रिसोर्सेज, ठीक है, उस वेबसाइट पे ज्यादा टाइम बिता रही है। उस वेबसाइट पे क्या लग रहा है, क्योंकि वेबसाइट की अथॉरिटी है, कंटेंट डेली पब्लिश हो रहा है, कंटेंट अपडेट हो रहा है, गूगल के बोर्ड्स को लग रहा है इसका कंटेंट हमें पढ़ना चाहिए, हमें स्कैन करना चाहिए, तो गूगल फ्रिक्वेंटली उसे क्रॉल करता है, फ्रिक्वेंटली अपने क्रॉल बजट जो होता है ज्यादा टाइम उस वेबसाइट को देता है, ठीक है। तो ये है, जितना ज्यादा आपका क्रॉल बजट होगा उतना ज्यादा मतलब है फ्रिक्वेंटली आपके वेबसाइट, या आप कहोगे फ्रिक्वेंटली नहीं तो आपके वेबसाइट पे गूगल का बॉट ज्यादा टाइम बिता रहा है। आप ये समझो, गूगल का बॉट अगर ज्यादा टाइम बिता रहा है तो क्रॉलिंग सबसे बढ़िया होगी, स्कैनिंग सबसे बढ़िया कर लेगा गूगल का बॉट, आपके वेबसाइट को अच्छी तरह से गूगल का बॉट समझ पाएगा। अगर अच्छी तरह से गूगल का बॉट समझ पाएगा आपके वेबसाइट के कॉन्टेंट को, तो ये समझो आपकी क्रॉलिंग अच्छी तरह से हुई है तो गूगल उसे इंडेक्स भी सही तरीके से करेगा। तो क्रॉलिंग सबसे बेस्ट है, क्रॉलिंग पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप जितना हो सके गूगल के बोर्ड्स आपके वेबसाइट पे कैसे ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। गूगल के बोर्ड्स को टाइम को इंक्रीज करना है, गूगल के बोर्ड्स कितनी देर आपके वेबसाइट को क्रॉल करेंगे आपको किसी भी तरह से उसको इंक्रीज करना है, क्रॉल बजट को इंक्रीज करना है ताकि गूगल के बोर्ड्स आपकी वेबसाइट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। ज्यादा स्पेंड टाइम करेंगे तो डेफिनेटली स्कैनिंग ज्यादा होगी, डेफिनेटली गूगल के बोर्ड्स और अच्छे तरीके से आपके वेबसाइट को समझ पाएंगे, ठीक है। क्रॉल बजट के कंसेप्ट मुझे लगता है इसके आगे आपको नहीं समझने की जरूरत है, इतने कंसेप्ट को इनफ है, ठीक है। और मे भी आपको क्लियर हो गया होगा, आप इस कंसेप्ट को कहीं पे लिख भी लीजिएगा, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा मे भी वो बिगिनर ही होगा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ क्रॉल बजट ये है कि गूगल
कितना टाइम आप, गूगल एक डिफाइन टाइम देता है हर एक वेबसाइट को स्कैन करने के लिए, ठीक है। तो क्रॉल बजट जितना ज्यादा होगा डेफिनेटली गूगल स्कैनिंग अच्छी तरह से करेगा, अगर स्कैनिंग अच्छी तरह से करेगा तो क्रॉलिंग एक अच्छे लेवल पर हो रही है, क्रॉल गूगल अच्छी तरह से कर रहा है, हमारी वेबसाइट को समझ रहा है। अगर गूगल हमारी वेबसाइट को सही तरीके से समझ रहा है तो गूगल उसे अपने लोकल सर्वर और इंडेक्सिंग में, इंडेक्स रिजल्ट में सही कैटेगरी में रखेगा, ठीक है। ये चीज है, क्रॉल बजट का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। हमें एफर्ट क्या डालना है कि क्रॉल बजट ज्यादा से ज्यादा हो, जितना क्रॉल बजट होगा गूगल का टाइम, गूगल के बोर्ड्स उतना ज्यादा स्पाइडर्स हमारी वेबसाइट को रहेंगे, अगर वेबसाइट पर रहेंगे तो स्कैनिंग ज्यादा होगी, ठीक है। ये वेबसाइट है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है, क्या हर एक वेबसाइट वाले को इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है क्रॉल बजट के लिए, कि वो अपने वेबसाइट का एसईओ तो करा ला, क्या उसे एसईओ का एक फैक्टर में से एक ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? तो मेरा कहना है नहीं। क्यों? देखो, छोटी वेबसाइट होगी 10, 12, 16, 15, 18, 20, इतने पेजेस छोटी वेबसाइट होगी, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्रॉल बजट को, क्योंकि गूगल के बोर्ड्स अपने आप ही लिमिटेड कम टाइम में भी आपको कर लेंगे, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी पेज होगी लाइक कितने, 5000 पेज की, 20000 पेज की, 30000 पेज की, 100000 पेज की, डेफिनेटली आपको इससे ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? आपके पेजेस ही इतने ज्यादा है, अगर आपके इतने ज्यादा, मान लो आपने 100000 पेजेस है आपकी वेबसाइट पे, 100 के पेजेस है, 100000 पेजेस है, 100000 में से गूगल के बोर्ड 30000 ही समझ पा रहे हैं, ठीक है, बाकी के 70000 नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कोई इसका फायदा होगा? नहीं फायदा होगा, गूगल क्रॉल ही नहीं कर रहा, गूगल उसे इंडेक्स कैसे करेगा? गूगल क्रॉल ही नहीं कर रहा, क्रॉल क्यों नहीं कर रहा है? गूगल अपना मे भी उसके सारे रिसोर्सेज, जो भी उसका क्रॉल बजट टाइम है, वो यहीं पे स्पेंड हो जा रहा है। गूगल ने डिफाइन किया हुआ है कि इस वेबसाइट पे मुझे 15 मिनट लगाने हैं, लाइक बड़ी वेबसाइट होगी एनडीटीवी इंडिया, इस पे मुझे 15 मिनट लगाने हैं। अब 15 मिनट पे तो उसने 30000 पेजेस को स्कैन करने हैं, बाकी के रह गए। तो मतलब हमें क्रॉल बजट को कहां ध्यान देना पड़ेगा? बड़ी वेबसाइट से, बिग वेबसाइट जितने भी होगी, पेजेस जिनके ज्यादा होंगे, वहां पे हमें इस बजट को, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा क्रॉल बजट सही से होना चाहिए, ठीक है। छोटी वेबसाइट, अगर आपकी छोटी वेबसाइट होगी, अगर आप नॉर्मल छोटी मोटी चीज कर देते हो, robot.txt से आपने इंपोर्ट जो भी इग्नोर पेजेस है उसे डिसअलाउ कर देते हो, साइट मैप को सही कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ी वेबसाइट में हमें ये चीज देखना पड़ता है, हमें क्रॉल बजट को इफेक्टिवली यूज करवाना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इफेक्टिवली क्रॉल बजट को कैसे यूज करोगे, या इफेक्टिवली क्रॉल बजट को किन फैक्टर्स पे क्रॉल बजट डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज है, इनको आप ध्यान से देखिए, बड़ी वेबसाइट पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। पहला, आपके वेबसाइट की अथॉरिटी। एक ये बताओ, एक वेबसाइट है आपकी एनडीटीवी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है एनडीटीवी, और एक आपकी वेबसाइट है क्या, dillinews.com, ठीक है, एक नई नई आपकी वेबसाइट खुली है dillinews.com, ठीक है, ये क्या नई वेबसाइट, अथॉरिटी किसकी ज्यादा है? एनडीटीवी की। ओल्ड कौन सा है? एनडीटीवी। अथॉरिटी ज्यादा है और वेबसाइट भी पुरानी है, तो गूगल के बोर्ड इसको ज्यादा प्रायोरिटी करेंगे, क्योंकि गूगल के बोर्ड्स को पता है इसकी अथॉरिटी है, ठीक है, इसकी अथॉरिटी है, इसका कंटेंट अपडेट होता रहता है, तो हमें इसको ज्यादा टाइम देना है। वहीं एक नई वेबसाइट है dailynews.com, पता है भाई ये नई नई वेबसाइट है, अभी इसको क्या टाइम देने की जरूरत है, ठीक है, तो इसको कम टाइम देंगे। डिपेंडिंग ऑन योर अथॉरिटी, डिपेंडिंग ऑन योर वेबसाइट एज, एज एंड अथॉरिटी दोनों पे डिपेंड करेगा क्रॉलर आपको कितना टाइम एलोकेट करेगा, ठीक है। अगर नई वेबसाइट है डेफिनेटली क्रॉल बजट आपका कम होगा, एक पुरानी वेबसाइट है एनडीटीवी इंडिया टुडे, एक बड़ी वेबसाइट है, क्रॉल बजट उस पे ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है, ये चीज है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट। डेफिनेटली अगर आपका कंटेंट डेली डेली अपडेट हो रहा है, एक वेबसाइट है एनडीटीवी, एक वेबसाइट है dailynews.com, ठीक है, इस वेबसाइट का कंटेंट फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है, फ्रिक्वेंटली मतलब डेली 10-10 12-12 30-30 ब्लॉग्स जा रहे हैं, 30-30 पोस्ट जा रही है, और दूसरा महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, फ्रिक्वेंटली नहीं है, तो इसका क्रॉल बजट टाइम डेफिनेटली कम होगा और इसका क्रॉल बजट टाइम ज्यादा होगा। क्यों? गूगल के बोर्ड्स को लगा ये वेबसाइट है डेली अपडेट कर रही है, डेली एक नया फ्रेश कॉन्टेंट दे रही है, ठीक है, डेली एक फ्रेश कॉन्टेंट दे रही है, तो डेफिनेटली डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा होगा इसके पास, ठीक है, नया आ रहा होगा तो गूगल ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ेगा? गूगल तो ये चाहता है ना हर एक चीज का डाटा मेरे इंडेक्स सर्वर के पास हो, ठीक है, तो आपके वेबसाइट एक नया डाटा प्रोवाइड कर रही है, नई चीज प्रोवाइड कर रही है, तो गूगल तो स्टोर करने की कोशिश करेगा ना उसे, ठीक है, वो चीज है, तो आप
फोकस करो कितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, आप जितने फ्रिक्वेंटली आपका कंटेंट अपडेट होगा उतने फ्रिक्वेंटली आपका ये होगा क्रॉल बजट आपका बढ़िया होगा, ठीक है, ये चीज है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है आपका मल्टीपल रीडायरेक्शंस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब कंटेंट अगर फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है डेफिनेटली क्रॉल बजट ज्यादा होगा, अथॉरिटी टाइम अगर एज हो गई होगी वेबसाइट को क्रॉल बजट ज्यादा होगा, मल्टीपल रीडायरेक्शन अगर आपकी वेबसाइट में रीडायरेक्शन लगे हुए लाइक सबसे पहले वो जा रहा है abc.com पे, ठीक है abc.com बट रीडायरेक्ट हो रही है किस पे xyz.com पे, ठीक है xyz.com पे रीडायरेक्ट हो रही है, xyz.com पे रीडायरेक्ट होने के बाद वो कोई दूसरे पे हो रही है जिसका है 123.com इस पे रीडायरेक्ट हो गई है, ठीक है, मतलब मल्टीपल रीडायरेक्शंस लगे हुए हैं, तो मल्टीपल रीडायरेक्शन गूगल के बोर्ड्स को क्रॉलर्स को एक नेगेटिव सिग्नल देता है, एक नेगेटिव सिग्नल देता है जिससे आपका क्रॉल बजट इफेक्टिवली यूज नहीं होगा, क्रॉल बजट आपका कम होगा, रीडायरेक्शन को रखना मतलब बहुत कम रीडायरेक्शन हो, अगर ज्यादा रीडायरेक्शन है प्रॉब्लमैटिक क्रिएट होता है, बकायदा रीडायरेक्शन बढ़िया चीज है लेकिन ज्यादा रीडायरेक्शन प्रॉब्लम करता है, ठीक है, क्रॉल बजट कम टाइम मिलेगा आपके क्रॉलर को, ठीक है। रिमूव अनवांटेड यूआरएल फ्रॉम robots.txt, कई सारे अनवांटेड यूआरएल्स होते हैं, ठीक है, लाइक आप कभी भी कोई एक वेबसाइट में सर्च बार होता है, एक वेबसाइट में सर्च बार होता है, ठीक है, एक वेबसाइट में सर्च बार होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, आपने यहाँ पे सर्च बार आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कहीं भी आपको एक सर्च बार दिख जाएगा, ठीक है, सर्च बार में आप जब भी कभी एक वेबसाइट पे जाके कभी कोई सर्च करते हो ना तो आपका एक अजीबोगरीब यूआरएल बनता है, ठीक है, मतलब हैश कैटेगरी, मतलब बहुत अजीबोगरीब यूआरएल बनता है, आप वो देख लेना, ठीक है, उस यूआरएल को इग्नोर करना कैसे robots.txt के थ्रू करेंगे, हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे robots.txt होता क्या, ठीक है, ये चीज है, मे बी अब आपको क्लियर होना होगा इन अनवांटेड यूआरएल्स को robots.txt से रिमूव करो। एक आता है होस्टिंग सर्वर, मैंने आपको बताया क्या है आपका, ये आपका करता है आपके पेजेस को क्रॉल करता है, पेजेस को स्कैन करता है, आप स्कैनिंग कैसे होगी, सबसे पहले पेज लोड होगा, ठीक है, अगर आपका पेज लोड होगा उसके बाद गूगल के बोर्ड स्कैन करेंगे, पहले पेज लोड ही तो करेंगे, ठीक है, अब ये बताओ आपका पेज लोड ही आपका 10 सेकंड में हो रहा है, पेज लोड टाइम ही आपका बहुत टाइम है, सर्वर आपका बहुत पुअर है, तो कैसे होगा ये जल्दी, ठीक है, जल्दी नहीं होगा, गूगल के बोर्ड इतने स्मार्ट है कि अगर आपका मान लो पैरेलली गूगल के बोर्ड कई सारे पेजेस को स्कैन कर लेते हैं, मान लो इस पेज को स्कैन कर ले, दूसरे पेज को स्कैन कर ले, तीसरे पेज को स्कैन कर लेते, सबको पैरेलली भी कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा जब आपका होस्टिंग सर्वर फास्ट होगा, जब अगर आपका होस्टिंग सर्वर बहुत फास्ट है ये चीज आपकी प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगी, आपके रिसोर्सेज ज्यादा आपको रिसोर्स गूगल ज्यादा एलोकेट करेगा, ठीक है, ये चीज है, होस्टिंग सर्वर बहुत डिपेंड करेगा। एक और चीज आपको साइट स्ट्रक्चर नेविगेशन कितना आसान है, अगर साइट का नेविगेशन है मान लो साइट मैप के थ्रू आपने नेविगेशन बता रखा, सबसे पहले जाओ अबाउट पेज पे बाद जाओ कॉन्टेक्ट पेज पे, यहाँ पे जाओ आप कैटेगरीज पे, कैटेगरीज के बाद जाओ आप किस पे दूसरे पेज पे जाओ, जैसे कैटेगरीज के बाद हमारा पेज आ जाता है प्रोडक्ट पेज, मतलब साइट का नेविगेशन बहुत ईजी है, तो फिर आपके और आपको क्रॉल बजट में और प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये सारे फैक्टर हैं जिन पे हमारा क्रॉल बजट डिपेंड करता है, एक साइट में मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, साइट में पर भी डिपेंड है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनमें हमारा क्रॉल बजट डिपेंड करता है, अगर किसी को अभी भी क्रॉल बजट में कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, सोशल मीडिया में पिन कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स को एड्रेस कर दूंगा, ओके।